में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जा रहा है, जो चयनित स्थल घोटा के पोषक ग्राम पार्थी टोला के शासकीय भूमि में होना था, किंतु अचानक से चयनित स्थल को बदलकर महुआ टोला के स्कूल के खेल मैदान के ऊपर किया जा रहा है। ग्रामवासियों का कहना है कि नियमानुसार गलत है, हमारे बच्चे कहाँ खेलेंगे। महुआ टोला के उप स्वास्थ्य केंद्र चिकरिया की दूरी मात्र 2.5 किलोमीटर है। वहाँ के लोगों के लिए इलाज की सुविधा है। अगर यही अस्पताल परिधि तिराहे में बनाया जाता तो लोगों के आने जाने की सुविधा बिल्कुल रोड से लगा हुआ है। इससे लाभान्वित ग्राम घोटा, काटिगहड़, नायक टोला, पारी टोला, बीजा टोला, खराकी टोला, शेरमी, छप्पर, तल्ला, गैतरा, जमुनाही, भीमा, भाड़ा, भडली इत्यादि ग्राम के लोगों की इलाज की सुविधा होगी। इस समस्या के समाधान के लिए ग्रामवासियों के द्वारा जन समस्या निवारण शिविर में आवेदन भी किया गया है। हम ग्रामवासी कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं, समस्या का निराकरण चाहते हैं। विभाग के द्वारा जांच की जाए और खेल मैदान को यथावत रखकर सरकारी भूमि पर धीटोला में आम जनता की सहमति से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए। वंदे भारत से उदय गोस्वामी की रिपोर्ट। मेरा नाम अमर सिंह बंजारा है, ग्राम घोटा का रहने वाला हूँ, ग्राम नायक टोला। और मैं ये कहना चाहूँगा, पूर्व में हमारे जनपद सदस्य प्रमोद मानिकपुरी जी, सुशील खुजूर सरपंच, उप सरपंच मुकेश मानिकपुरी जी, इन के कार्यकाल में ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रस्तावित हुआ और बहुत दौड़ धूप करने के बाद यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आया। तत्काल मुंबई से ब्यूमो आकर के सरपंच तथा भूतपूर्व जनपद सदस्य प्रमोद मानिकपुरी के साथ में आकर यहाँ जमीन देखे और जमीन के फोटो करवा के उन्होंने ब्यूमो फोटो करवा कर ब्यूमो ले गए। बोलो और पूरे गांव में, हमारे चारों गांव में ढिंडोरा पिट गया कि बीजा टोला में, पारधी टोला बीजा टोला के बीच स्वास्थ्य केंद्र बनने वाला है। हमने पूरे गांव वाले खुश थे, पर अब वह स्वास्थ्य केंद्र को महुआ टोला में ले जाने से हम नाराज हैं। स्वास्थ्य केंद्र यहीं बनना चाहिए हमारा कहना है, और पहले से वहां खेल मैदान बन चुका है। 12 लाख बताते हैं, उस समय तो हम पंचायत में नहीं थे, लेकिन उस दिन सुशील खुजूर भी हमें मिला था। सुशील खुजूर बता रहा था कि पहले हमने यहां पे खेल मैदान बना चुके हैं 12 लाख का, और उसी के ऊपर स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है। हमको बहुत दुख है, और हमारा खेल मैदान कहाँ है, हमारे बच्चे कहाँ खेलने जाएंगे, बस मैं इतना ही कहना। टोला से बीरबल टेकाव, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत घोटा का हूँ। स्वास्थ्य केंद्र जो बनाया जा रहा है महुआ टोला में, इसी वजह से ये जनता यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हुई है, जिसमें वो पूर्णतः गलत है। पहले से वहाँ खेल मैदान बच्चों के लिए बन चुका है, उसका लागत 12 लाख खर्च कर चुकी हैं, और उसी के ऊपर बनाना चाह रहे हैं। वो अभी चालू है वहाँ का कार्यकर, वहाँ चालू है काम, उस काम को रोक लगाई जाए, अन्यथा भीड़ इकट्ठी होकर बहुत यहाँ की आंदोलन मचाना चाह रहे हैं लोग। बिल्कुल, इसको पूर्णतः, ये बहुत गांव यहाँ सेंटर में है, तिगट्टा में है, यहाँ छपरतला शेरमी से और आगे गांव आते हैं, गेतरा, जमुना ही, भाड़ा, भल्ली, पूरा मेन रोड से लगी है, यहाँ तिगट्टा है, यहीं पर होना चाहिए। पहले से यहाँ के दलाल लोग यहाँ के नए नवनिर्वाचित सरपंच महोदया को धोखाधड़ी में देकर और वहाँ भूमि पूजन करवा करके और विवाद को इन लोगों ने बढ़ाए हैं, इसमें हम लोगों के सारी ताकत है कि हम लोग इसको, जहाँ का चयन हुआ था यहाँ बीजा टोला में, ये घोटा का जो सेंटर है, यहाँ मेड़ो है, यहीं पर होना चाहिए, यहाँ अच्छा स्थान है, यहाँ हम उसी के मांग के लिए इकट्ठे हुए हैं, तैयार हैं कि हम उस अस्पताल को यहीं लाया जाए, और यहाँ सबका विकास होगा। नायक टोला, पारधी टोला,
आधे घोटा ग्राम का पूरा आधा यहाँ मेड़ों में है और सब सब नागरिक सब जनता इसमें सहमत हैं। इस बात के लिए हम दोबारा यहाँ इकट्ठे और भी होंगे, हमारी मांग पूरी हो जाए। सर मेरा नाम सरजू परते है, मैं ग्राम घोटा कपोसक ग्राम बीजा टोला का निवासी हूँ। सर हम लोग इस समस्या को लेके गए थे अस्पताल, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमारे ग्राम बीजा टोला में चिन्हित किया गया था सर, उसी के विषय में हम लोग जो है 15 से 20 लोग तहसील कार्यालय जाकर के एसडीएम मैडम को जो है लिखित पत्र सौंपे हैं कि उस काम को रोका जाए करके। और वहां जाने के बाद हमें आश्वासन मिला है मैडम के द्वारा कि निश्चित ही 2 दिन के अंदर में इस काम को बिल्कुल रोका जाएगा, हम लोग एक्शन लेंगे, ऐसा जो है वहाँ से हमें आश्वासन मिला है। और यदि एक्शन नहीं लिया जाता 2-3 दिन के अंदर में, तो हम सब लोग इकट्ठे होकर के जो है हम चक्का जाम करने के लिए तैयार हैं। इसकी जवाबदारी जो है शासन प्रशासन की होगी सर, और पूरी पब्लिक जो है भयंकर आक्रोश में है। हाँ, मैं राजेश साहू उप सरपंच छपरतला से। बहुआ टोला में उप स्वास्थ्य जो बनाया जा रहा है, प्राथमिक स्वास्थ्य बनाया जा रहा है, वो उसका एरिया बहुत कम है। और ये पारधी मोहल्ला का जो जगह जो चयन कर रहे हैं, इस क्षेत्र में लगभग 15 से 20 ग्राम आ रहे हैं, और यहाँ से सब गाँव का दूरी का एक बहुत अच्छी सेंटर है। तो आज यहाँ पे इतने बहुत भीड़ जो है, तो आज इसी जगह के कारण से उपस्थिति है। आप आए हो इसी, अल्लाह मत कर दे। मैडम आप ग्राम पंचायत सरपंच घोटा से हैं जी, ये क्या कारण है कि लोग ने यहाँ भीड़ लगाए हैं? अस्पताल के लिए है सर। अस्पताल के लिए है, और ये अस्पताल सुनने में आ रहा है कि यहाँ जो अस्पताल के लिए जगह आवंटन किया गया है वो शासकीय भूमि जो खेल मैदान था पहले उसी पे कर दिया गया है, क्या कारण है? जगह नहीं थी क्या? जगह है सर। फिर बीजा टोला में है सर जगह। हाँ, तो फिर वहाँ क्यों दे दिया गया है? ये कई लोग परेशान करके वहाँ ले गए हैं सर। नहीं सर, ग्राम पंचायत वाले जो है घोटा वाले करवाए हैं सर, और झूठ बोल के यहाँ भूमि पूजन है कह के ले गए हैं मेरे को। पर पहले तो यहाँ प्रस्तावित किया गया था ना, आपके द्वारा जो है यहाँ पे प्रस्ताव भेजा गया था इस जगह पे, पारधी टोला के नाम से जगह है जिसको आपने पहले प्रस्तावित किया था, फिर उठाकर उसको खेल मैदान में कैसे ले गए? दलालों से ले गए हैं सर। ठीक है, अब हम जानना चाहते हैं ग्रामीणों से यहाँ का हाल चाल। मेरा नाम रूपलाल धुरवी, ग्राम घोटा का निवासी हूँ। मैं भी पति भोजपुर सरपंच हूँ, पत्नी मेरी सरपंच थी, मैं भोजपुर सरपंच हूँ। अतई ग्राम पंचायत में खेलकूद मैदानों का 12 लाख रुपये गबन भी कर दिए। 12 लाख गबन करने के बाद बीजा टोला नायक टोला घोटा की बाउंड्री के अंदर में शासकीय केंद्र आया था, वो शासकीय केंद्रों को समझ के सरपंच को दबाव दिया था उप सरपंच ने, और ऐसा घोषण करके खेलकूद मैदानों के ऊपर शासकीय केंद्रों का भूमि पूजन किया गया, अस्पतालों का। वो अस्पताल हमको पसंद नहीं आ रही है, न किसी से सहयोग लिया, न किसी मेंबरों का दस्तखत किया, ये सब झूठी झूठी फर्जी बना के गुमराह में सरपंच को दाब के आज भूमि पूजन करके काम किया है। वो हमको अविश्वास प्रस्ताव डालने में हमको कोई मंजूर नहीं है।